नमस्कार, मेरा नाम है जूही सिंह और आप देख रहे हैं धे टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शब्दांजलि के 13वें एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला शब्द, कोकबोरोक। बीते दिनों त्रिपुरा के स्वदेशी छात्र संगठन त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन के 260 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ये संगठन कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि और 125वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने की मांग कर रहा था। बता दें कि कोकबोरोक त्रिपुरा के ज्यादातर आदिवासी समुदाय द्वारा बोले जाने वाली प्राथमिक भाषा है। इसका राज्य में सांस्कृतिक और भाषाई महत्व है। इसे 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। 22 डिग्री कॉलेजों और त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सहित कई शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाए जाने के बावजूद कोकबोरोक के पास अपनी स्क्रिप्ट का अभाव है, जिसके कारण इसे कैसे लिखा जाना चाहिए इस पर बहस चल रही है। आज का दूसरा शब्द है सूट। सौर्य पैराबैंगनी इमर्जिंग टेलीस्कोप एक यूनिक स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा विकसित किया गया था। सूट को हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सौंप दिया गया था। अब इसे आदित्य L1 मिशन के साथ इंटीग्रेट किया गया। ये टेलीस्कोप सूर्य के पराबैंगनी किरणों के उत्सर्जन की स्टडी करेगा और हाई रेसोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करेगा। आज का तीसरा शब्द है वॉकिंग लीव्स। गोंगटिंगन विश्वविद्यालय सहित एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने वॉकिंग लीव्स यानी पत्ती के जैसे दिखने वाली कीटों की 7 नई प्रजातियों की खोज की है। वॉकिंग लीव्स कीड़ों का एक ऐसा समूह है जो देखने में पत्तियों के समान होते हैं। ये कीट फास्मिडा या फास्माटोडिया समूह के सदस्य होते हैं। आमतौर पर घनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं। इनका प्राकृतिक आवास हिंद महासागर के द्वीपों से लेकर दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पापुआ, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया तक है। ये अपने वातावरण में अनुकूलन करने वाली अपनी मायावी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आज का चौथा शब्द है रेड सैंड बोआ। हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें भारत में 2016 और 2021 के बीच रेड सैंड बोआ से जुड़ी बरामदगी की 172 घटनाओं पर प्रकाशन डाला गया है। जिसमें भारत में 2016 और 2021 के बीच रेड सैंड बोआ से जुड़ी बरामदगी की 172 घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। आपको बता दें कि इस सांप की घटती संख्या के कारण इसे IUCN लिस्ट में खतरे के निकट की श्रेणी में रखा गया है। रेड सैंड बोआ यानी दो मुहा सांप एक दुर्लभ बिना विष वाला सांप है। ये भारत, पाकिस्तान और ईरान में पाया जाता है। रेड सैंड बोआ का यूज कई प्रकार की दवाओं, पर्स कॉस्मेटिक, कैंसर के इलाज, नशीली दवाओं, महंगे परफ्यूम्स और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके प्रत्येक सांप की औसतन कीमत 4.94 लाख रुपए होती है, जिसके चलते इसके बड़े पैमाने पर तस्करी का सामना करना पड़ता है। आज का पांचवा शब्द है टेली लॉ 2.0। बीते दिनों न्याय तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए टेली लॉ 2.0 का अनावरण किया गया। टेली लॉ न्याय विभाग का एक विशेष कार्यक्रम है। ये आम जन को डिजिटल टूल्स के जरिए कानूनी जानकारी और सलाह प्राप्त करने में मदद करता है। इसी का उन्नत संस्करण टेली लॉ 2.0 है। ये कार्यक्रम लोगों को कहीं भी रहने वाले कानूनी विशेषज्ञों से बात करने में मदद करता है। इसके जरिए कंप्यूटर और फोन से कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करा के न्याय तक पहुंच बनाने को सरल करने की कोशिश की गई है। आज का छठवां शब्द है शिव शक्ति पॉइंट। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री चंद्र बिंदुओं के लिए नामों की घोषणा की, जिसमें चंद्रयान 3 लैंडर के टच डाउन पॉइंट का नाम शिव शक्ति और चंद्रयान 2 के लैंडर के टच डाउन पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट रखा जाएगा। लगे हाथ आपको बता दें, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है। इसमें लैंडर और रोवर का कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इसके लैंडर पेलोड में चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ल्यूमर सिस्मिक एक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट, लैंग्वेयर प्रोब और नासा का पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे एडजस्ट किया गया है, जबकि रोवर पेलोड में अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप को एडजस्ट किया गया है। ये सभी टूल्स मिलकर चांद की स्टडी करेंगे। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अगर आपके मन में करंट अफेयर से जुड़ा कोई शब्द हो जिसका अर्थ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बहरहाल अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।